हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं श्री रतन टाटा जी का स्टॉक टाटा कंज्यूमर। ठीक है, सो कंज्यूमर समझ के सबसे मालूम पड़ रहा है कंपनी क्या बनाती है। कंपनी टी, कॉफी, लिक्विड बेवरेज, फूड, आउट ऑफ होम मतलब खाने पीने का सामान ऑब्वियसली। सो अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल पे। तो कंपनी की इसमें मार्केट कैपिटल है वो है 66,531 करोड़। ठीक है, कंपनी का आरओसी है 9.61%। कंपनी के पास आरओई है 6.51%। कंपनी के अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करूं तो वो अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब क्या है मैं शो करता हूं। देखो पहले 21 से कंपेरिजन कराता हूं। तो 21 के मार्च में सिर्फ 74 करोड़ का प्रॉफिट, जून के 21 में 200 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, जून सितंबर 21 में 286 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर के 21 में 290 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च के 22 में 239 करोड़ का प्रॉफिट, जून के 22 में 270 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 22 में 389 यानी कि 389 करोड़ का प्रॉफिट, एंड दिसंबर के 22 में 364 यानी कि 364 का प्रॉफिट। ठीक है, ये करोड़ का अमाउंट है। सो अब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की। तो इसमें आप देखिए, मैं 21 से 22 का कंपैरिजन फिर कराता हूँ। अब 21 में था 930 करोड़ का प्रॉफिट, साफ दिख रहा है शुद्ध लाभ 930 करोड़। 22 का शुद्ध लाभ मार्च में निकल के आया 1015 करोड़। क्लियरफाई हो गया कितने करोड़ का प्रॉफिट आया इसमें एक्स्ट्रा, यानी कि 85 करोड़ का प्रॉफिट आया निकल के कंपनी का। ठीक है, मतलब देखा जाए तो अप ट्रेंड में 930 1015। ठीक है, बैलेंस शीट में चलते हैं। तो बैलेंस शीट में कंपनी के पास रिजर्व है 14,797 करोड़ का रिजर्व। बोरोइंग्स हैं 1,294 करोड़ की बोरोइंग्स हैं, जो कि इसके सामने कुछ ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है कंपनी के पास देखा जाए तो। कैश फ्लो है कंपनी के पास माइनस में है 22 का 796 करोड़ का माइनस में कैश फ्लो निकल के आया है। कंपनी के पास जो इन्वेस्टर्स हैं तो आप वो देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग है 34.45, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है 25.58। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इंस्टीट्यूशन की फॉरेन वालों की, कितना उन्होंने कम किया है कितना बढ़ाया है, तो कंपैरिजन करें 20 से, 20 में थी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग्स कंपनी के अंदर 17.08 और अब है 22 के दिसंबर में 25.58। ठीक है, डोमेस्टिक ने अपनी होल्डिंग कम करी है, पहले इनकी 20 में थी 21.80, ये देख सकते हैं आपने हाईलाइट कर दिया है, अब है 15.12। ठीक है, गवर्नमेंट की होल्डिंग सेम है, उन्होंने कहीं भी डिक्रीज नहीं करी है, इनकी है 0.01%। ओके, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, 2% क्या तकरीबन गिरी है। पब्लिक की होल्डिंग है अब 24.82। ठीक है, अब मैं चलता हूँ लेके आपको डायरेक्ट चार्ट पे कि चार्ट का क्या इंडिकेट कर रहा है। अब देखो चार्ट ने बनाया है कप पैटर्न 2017 से लेके करीब करीब 2020 तक, तो पूरे 3 साल नहीं हुए, 3 साल कम है, मतलब 3 साल में कुछ महीने कम है, बट ये स्टॉक रन कर गया है। अब देखो थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ मैं आपको कि हुआ क्या है इसमें। ये नीचे गया, जब कोविड भी आ गया था ऑब्वियसली तो नीचे जाना ही था, नीचे गए थे, यहाँ से ऊपर गया, अभी कब बन गया, ये बन गया 2-3 कैंडल्स का हैंडल। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट था करीब 390 के आसपास और 390 का स्टॉक टच करके आया है अपना 900 का अमाउंट। ठीक है, अब वहाँ से आप देखिए, एक इस जगह का लाइन खींच बनाता हूँ मैं, एंड इसके अलावा एक मिनट। सो अब देखिए 885 900 से लेके 700 से नीचे लो मारा है 660, यानी कि तकरीबन 340 रुपए के आसपास के जोन में अभी ये वहीं में घूम रहा है, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है। मार्केट में अभी थोड़ा करेक्शन भी आया था और थोड़ी सी रिपोर्ट आई थी मंदी की, जो चल रहा था इन्फ्लेशन चल रहा था यूएस वगैरह में, उसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसके साथ मतलब वो चलते चलते ही मार्केट इसके स्टॉक में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, गिरा फिर उठ गया, थोड़ा सा फिर गिर गया फिर थोड़ा सा उठ गया, यही होता रहा है मार्केट में। तो स्टॉक फंडामेंटली पावरफुल है,
चार्ट भी इसमें पावर शो कर रहा है अपने की स्टॉक में पावर है, दम है स्टॉक में। कहाँ गया ये? ओके मैं सब प्रॉपर लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो ताकि आपको क्लियरिफाई हो पाएगा। अब ये देखो कि इसी जोन में ना ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर रहे। ये देखो ये इस लाइन में और इस लाइन में, ऊपर वाली ग्रीन नीचे वाली रेड, इन दो लाइन में ही अपना काम कर रहा है। और ये अपने कब से चल रहा है? सितंबर के 21 से लेके अभी तक इसमें इतना ही चल रहा है। तो यानी कि स्टॉक में अभी भी दम है, स्टॉक कभी भी यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, कभी ऊपर निकल सकता है। इसका तो फंडामेंटल बता रहे हैं, जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर को पार कर दे, शायद इस ईयर में ये पार कर दे ऊपर, थोड़ी मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाए तो हो सकता है कि इसी ईयर में जो पार कर दे ऊपर का लेवल। बट जब भी करता है, जब भी ब्रेकआउट आता है, कोई न्यूज आती है, कुछ भी कैसा भी कुछ बनता है सिनेरियो, मैं ऑफ कोर्स वीडियो बनाऊंगा कि इन स्टॉक पर, टाटा जी के स्टॉक पे जो लीजेंड है उनके स्टॉक में बहुत अच्छे से नजर रखता हूँ मैं, ताकि ही मुझे भी कुछ करने का मौका मिले, कुछ गेन करने का मौका मिले अपने कैपिटल में। बहुत पावरफुल स्टॉक है। डन फॉर टुडे, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।